क्यों, मैं आपका टीचर मोहम्मद सुभानी, और आज है हमारी अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 31। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है। बेसिकली आज हमने पढ़ना है ट्रांसफॉर्म टेबल, या कह लें मेन्यू, जो आपको इजी लगे, और साथ ट्रांसफॉर्म ईच के बारे में कि भाई ट्रांसफॉर्म ईच है क्या चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि ये मेरी स्क्रीन आप लोग के सामने है, मैं इसको यहाँ से फिलहाल क्रॉस करता हूँ। अच्छा, ट्रांसफॉर्म ईच, ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है? अब यहाँ पे देखा जाए, ट्रांसफॉर्म आप एक ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म हम बेसिकली निकाल लेते हैं विंडोज़ में जाके, यहाँ पे टी कैटेगरी में ये आपका है ट्रांसफॉर्म, जिसकी शॉर्ट की है Shift F8। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये मेरे पास इसका पैनल लिख आ गया। अब देखो पैनल यहाँ पे सब कुछ मेरा फिलहाल ऑफ है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ओपन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, ये देखो ये मेरे पास एक चीज़ ओपन हो गई है। इसमें क्या चीज़ आई है मेरे पास, इसकी एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई, डिग्री आ गई, फिर हाइट विड्थ आ गई, यहाँ इसकी कह लें कि शेयर का वो आगे के कितनी डिग्री इसको शेयर करना है। शेयर हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये स्केल टूल और किधर गया, ये शेयर टूल, स्केल टूल और रीशेप टूल। ठीक है, अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि हमने स्केल टूल पढ़ा था, जिसमें हमने शेयर टूल का भी पढ़ा था और रीशेप टूल का भी पढ़ा था। यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। एक्स वाई बेसिकली होता है कि अब मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू को कर्सर की मदद से कम या ज़्यादा करता हूँ, कम करता हूँ, तो मेरी ये शेप अपनी जगह से मूव हो रही है। इसको अगर मैं कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट राइट होगी, जैसे मैं इसे इंक्रीज करूँगा तो ये राइट होगी, डिक्रीज करूँगा तो ये लेफ्ट होगी। इसी तरह जब मैं वाई पे क्लिक करके वाई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो ये बॉटम में के नीचे की तरफ आएगी, इसे डिक्रीज करूँगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। उसके अलावा कह लें कि ये डब्ल्यू और एच हाइट, विथ और हाइट का आपको मैंने बताया हुआ था कि ये आपका बेसिकली ये इस शेप की वैल्यू है कि भाई इसकी जो विथ है हम इसको कम करना चाह रहे हैं, लाइक 150 वे, यहाँ पे हम इसको बढ़ाते हैं, इसको हम करते हैं बाकी कम करते हैं, इसको मैं करता हूँ, ये मैं कर्सर की मदद से इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 100 पे किया तो ये मेरे पास एक शेप बन गई है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि भाई इसकी डिग्रीज को मैंने चेंज करना है, मैं यहाँ पे कह ले कि सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं करना चाह रहा, मैं इसको यहाँ से वैल्यूज की थ्रू करना चाह रहा। ये देखो ये मेरे यहाँ पे इसको मैं जैसे, अच्छा कर्सर आप ऊपर की तरफ करोगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कर्सर नीचे की तरफ जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये 360 से बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो मैं यहाँ पे किया है, ये 359, 358, कर्सर अगर मैं नीचे की तरफ से मूव करूँगा तो, अगर यहाँ से नहीं करना चाहते नो इशू, आप यहाँ से कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे करता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री थोड़ा अजीब सा, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको मैं कम या ज़्यादा करूँ तो इसकी भी वैल्यू साथ साथ ही चेंज हो। ठीक है, उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जस्ट ये देखो, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट विथ विद हाइट प्रोपोर्शन, यानी कि जब आप इस चेन को क्लिक करोगे तो ये चेन एक किस्म की बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे 175 है, इसको इंक्रीज करूँगा तो ये देखो इसकी निचली वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। उसका क्या मकसद है कि जब हम इसको चेन को लिंक करेंगे वो हमारी इस शेप को प्रोपोर्शन में, यानी कि चारों तरफ से इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे शेयर का है, शेयर का आप लोगों ने हमने बताया हुआ था, जैसा कि हम इसको जितना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे 0 ही करता हूँ और दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो कि ये थोड़ा अजीब सी लुक की इसकी बन गई है, हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से मैं एक नई शेप लेता हूँ और ये लो।
अब यहाँ भी ये देखो, ये तो यहाँ इस पार्ट पे तो ये था कि भाई आपने एक्स वाई की वैल्यू को चेंज किया। मैं ये कह रहा था ट्रांसफॉर्म में ये जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका है कि इसकी जगह को चेंज करना हो, लेफ्ट हो राइट हो जहाँ आप चाहें, या इसके साइज को चेंज करना हो। लाइक अब मैं यहाँ पे इस चेन को क्लिक किया है और मैं इसको जैसे ही छोटा बड़ा करूँगा तो ये स्क्वेयर फॉर्म में ही मेरी जो चीज़ छोटी होगी। अब देखा जाए तो ये यहाँ पे भी वही वैल्यू है। यहाँ पे क्या है कि ये आपको शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई एरोज है, ये लेफ्ट टू राइट है। इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे, अब मैं यहाँ पे इसको चेन को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट मैं कर रहा हूँ, ये देखो जो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी वही वैल्यू विड्थ में भी आएगी। इसलिए हाइट पे आइए, हाइट को मैं डिक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है। अब जैसे मैं इसको लिंक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको जैसे जैसे कम करूँगा वैसे वैसे ये वैल्यू इसकी चेंज ऑटो होती है और यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। अच्छा यहाँ पे अब देखो ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स से मुराद कि ये देखा जाए हमारा राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट है, ये राइट सॉरी ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम राइट टॉप। इसका क्या है कि जब आप इसको राउंडनेस इसको करते हो, ठीक है, ये देखो ये अभी चारों तरफ से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी यहाँ पे हमने इसको इंटरसेक्ट किया हुआ है, लिंक को कॉर्नर में हमने लॉक किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको मैंने कर दिया वन वन वन, या कह ले के जीरो जीरो जीरो, दैट्स इट। ये देखो अब ये एक थोड़ा सा हुआ है कि भाई आपने एक एंकर पॉइंट को छेड़ किया है कि उसको कॉर्नर इसका किया हुआ। अब यहाँ पे 35 है, मैं यहाँ पे भी 35 कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे भी 35 ही हो जाए। या तो जो हम लीव बना रहे थे ये उसमें भी हमारा अच्छा खासा ये किरदार अदा करता है। इसमें एक और चीज समझने वाली है, वो क्या है, हम यहाँ पे एक नई शेप बनाते हैं। अच्छा बल्कि मैं पहले आपको एक करके दिखाता हूँ, इसका मैं फिल कलर नन कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हम यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके, अच्छा यहाँ तक अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा और करता हूँ डिफाइन। अच्छा ये देखो आ गई है। अब ये शेप है, ठीक है, इसकी राउंडनेस मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। अब मैं इस शेप को अगर बड़ा करूँ तो ये देखो मेरी ये इसकी राउंडनेस चेंज नहीं हो रही, ठीक है, राउंडनेस मेरी इसकी छोटी होती जाएगी जैसे जैसे मैं शेप को बड़ा करूँगा। लाइक अब ये देखो, ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई मैं शेप को बड़ा तो कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आके इसने सर्कल बना दिया। अब मैं कहता फिर मैंने शेप को छोटा करूँ या बड़ा करूँ, जो भी करूँ जो राउंडनेस है वो साथ साथ बड़ी भी हो साथ साथ छोटी भी हो। अगर यहाँ पे आप देखें ये देखो स्केल कॉर्नर, स्केल कॉर्नर का मीन्स क्या है, इसे आपने चेक किया इसको जब आप, मैं अब शिफ्ट की मदद से ये कर रहा हूँ, इसको मैं जैसे जैसे बड़ा करूँगा ये देखो इसकी राउंडनेस भी साथ साथ बड़ी होगी, ठीक हो गया। अब इसको मैं कहता हूँ फिर ये स्केल स्ट्रोक और इफेक्ट भी है तो इसका भी वही चीज़ है कि मैं जो जो इसको बड़ा करूँगा उस तरह इसकी स्ट्रोक का भी वेट बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। ये खैर इतना ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट क्या है कि आप इसकी डिग्रीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो, विड्थ हाइट या इसकी लोकेशन को आप अप डाउन कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये चीज़ होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, हम बनाते हैं एक यहाँ पे नई शेप। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं इसके यहाँ से कॉपी लेता हूँ एक। अच्छा इसका ये तो था सिंगल फॉर्म में, ठीक है, अब मैं इसकी करता हूँ कॉपी।
अब ये देखो, ये यहाँ पे कॉपी है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ शिफ्ट और ऑल की मदद से। ठीक हो गया। अब ये चीज़ है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि इस पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ईच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म ईच में क्या है। ट्रांसफॉर्म ईच में ये है कि भाई मैं, अच्छा देखा जाए एक तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड, जब ये सॉरी इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसका इसको ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे लेके आया। यहाँ से जाके ट्रांसफॉर्म ईच करता हूँ जब मैं, अब देखा जाए इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क कैसे नहीं है कि भाई इसका जो मूव है, ठीक है, इसने यहाँ पे एक्स और वाई लिखा हुआ था, यहाँ पे मूव में इसने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लिखा हुआ है। रही बात स्केल की, स्केल क्या चीज़ है, इसको छोटा बड़ा करने के लिए। हॉरिजेंटल में क्या है कि भाई इसकी विड्थ आ जाएगी और जो वर्टिकल है वो इसकी हाइट आ जाएगी। एंगल यहाँ पे भी है, एंगल यहाँ पे भी है, या यहाँ पे भी कह सकते हैं। इसी तरह अब देखो स्केल कॉर्नर्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्केल कॉर्नर्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, यहाँ पे भी वही चीज़ है। मीन्स के कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्म ईच और ट्रांसफॉर्म में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बस एक आध स्टेप का फर्क है। इसमें भी हम चाहें तो इसकी वैल्यूज को मैं कम करके, या ये कह लो कि मैं इसको अगर करता हूँ, अगर देखा जाए तो ये सेंटर से हो रहा है। मैं इसकी लोकेशन को थोड़ा चेंज करूँ, ये देखो, ये मैं इसके थोड़ा साइज को बड़ा करता हूँ, ये अपनी जगह से मूव नहीं हो रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसको 100% में रखूँ, ठीक है। और ये अगर आप ये वाला बॉक्स देखो, ठीक है, ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए। अब ये कुछ, ये सेंटर में क्लिक है, सेंटर में क्या, ये वाइट हुआ हुआ। मैं इसको लेफ्ट साइड पे जब करूँगा तो ये लेफ्ट साइड मीन्स क्या होगा, अब इसको सेंटर किया, ये देखो ये इसके सेंटर में आया। मैं जैसे इसके लेफ्ट कॉर्नर करूँगा ये ऊपर वाली साइड पे हो जाएगा, ऊपर वाली साइड पे हो गया। अब मैं यहाँ से इसको बढ़ाऊँगा, सॉरी वर्टिकल क्रियांश कहते हैं, मैं यहाँ से आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। अब ये देखो मैं इसको जब यहाँ से करूँगा तो ये वाला पॉइंट इसका स्टक है, और इसके एक दो और ये तीन पॉइंट इसके बढ़ते जाएंगे। ये देखो मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये पॉइंट्स आपको डिसाइड करते हैं कि भाई आपने, अब मैं देखो ये बॉटम मैंने किया है, इस पॉइंट को मैंने लॉक कर दिया किस्म का। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी देखो वो जगह अपनी जगह वहीं पे है। मैं इसको कहता हूँ भाई ये यहाँ पे लॉक हो, और ये सारा इसका बड़ा छोटा साइज होता है इसका। अभी देखो ये मैं फिलहाल कर्सल की मदद से कर रहा हूँ कि मैं अगर बटन यूज़ करूँगा तो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में फिर रिकॉर्ड हो जाती है, वो फिर बाद में रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक हो गया, ये तो आपकी यहाँ तक की ये सारी चीज़ थी। अब हम यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म ईच। ट्रांसफॉर्म ईच बेसिकली है क्या चीज़, यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और डिग्री चेंज करता हूँ, 25 पे मैं करता हूँ। अभी देखो इसने सारे सारे ऑब्जेक्ट्स को 25 पे कर दिया। मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ नए ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, और यहाँ से इसकी कॉपीज हम लेते हैं।
यहाँ पे आ गया। इसी की कॉपी लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया। अब मैं ये कहता हूँ भाई, मैं इसको ट्रांसफॉर्म ईच करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म ईच में हम गए, ठीक है। अब देखो, इसने 25 डिग्री पे सारी सारी शेप्स को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ भाई, ये शेप्स कोई टेढ़ लेफ्ट साइड पे मुड़ी हुई हो, कोई राइट साइड पे मुड़ी हुई हो, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार सिंपल सा ये है कि अगर यहाँ पे देखो, ये आपका रैंडम लिखा, रैंडम में क्लिक किया, अभी देखो टेढ़ी मेढ़ी सी बनी, एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न इसने बना के दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, अब मैं चलो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये रैंडम आ गया, ठीक हो गया। लाइक आपने अक्सर देखा हो नोटिस बोर्ड पे पेपर इसी तरह लगे हुए होते हैं। हम इसको उठा के भी थोड़ा साइड पर रखते हैं और एक नई शेप बनाते हैं। मैं फिल कलर भी फिलहाल नन कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ईच में अगेन। और अब मैं ये करूँगा कि रैंडम मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, 90 डिग्री कर रहा हूँ, सॉरी 45 डिग्री, और साइज इनका मैं छोटा कर रहा हूँ, लाइक 75। इसको भी मैं 75 तक लेके जा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको करूँगा कॉपी। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करेंगे, अगेन इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाके ईच, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, 70 to 70 कॉपी। अभी कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। अब मैं अगर इसी को कंट्रोल डी करूँ, फिर करूँ, तो ये देखो बड़ा ही प्यारा सा इसने एक मुझे पैटर्न सा बना के दे दिया। अब मैं ये कहता हूँ भाई, ये नहीं बल्कि इसी को करते हैं, मैं इसी की कॉपी को कॉपी को ले लेता हूँ। ये आ गया। अच्छा, एक चीज आप उन्हें याद रखनी है, आप लोगों ने इससे पहले जो भी काम किया होगा, अब देखो मैंने पहले 70 to 70 and 45 डिग्री का मैंने चूज किया हुआ था, तो मेरे पास वही चीज आई है। मैं इसको अगेन ओके करूंगा, तो कंट्रोल डी एंड डी। अब देखो ये मेरे पास एक पैटर्न सा बना आ गया। इसको मैं जब जहां मर्जी जो मर्जी कर लूँ इसको, ठीक है। इसको भी उठा के हम साइड पर रखते हैं और एक हम बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स। कंट्रोल सी, कंट्रोल बल्कि नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ नहीं, हम यहाँ पे इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म ईच। अब मैं आपको ये दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। अब वो चूंकि अब इसको मैं करता हूँ 0, इसको मैं इससे थोड़ा सा 110 तक कर लेते हैं, 110, और इसकी डिग्री को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ऑलमोस्ट 10, और ओके नहीं सॉरी कॉपी, कॉपी चमका रही होता है जब मैं कंट्रोल डी पे करता जाऊंगा। ये देखो इसने एक बड़ा ही प्यारा सा पैटर्न मुझे ला के दिखा दिया। इसको भी हम उठाएंगे, एक साइड पे फिलहाल रखेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो टेक्स्ट पे भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट पे कैसे कर सकते हैं, उस पे हम कर सकते हैं ऐसे के देखो
सीजर, कट, 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 कट। अब मैं स्प्रे करता हूँ टाइप टूल के थ्रू, टाइप अनुपात, मैं यहाँ करता हूँ, इसको हम कहते हैं गया, यहाँ पे आ गया। मैं स्पीड करता हूँ, हम यहाँ पे रखते हैं। अब मैं इसको देता हूँ, कह लें कि रेड कलर, इसको भी मैं देता हूँ रेड कलर, बल्कि हाँ रेडी। अब मैं सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी के ग्रुप करके इसको मैंने किया ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म ईच। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, कितना छोटा कर रहा हूँ भाई, मैं इसको कर रहा हूँ 100, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ओरिजिनल पे कर देते हैं कॉपी, बल्कि सॉरी अभी देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं इसको 120 तक लेके जाऊंगा। इसकी डिग्रीज को मैं चेंज कर दूंगा, बल्कि एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं। ठीक हो गया, इसको किया हमने कॉपी, कंट्रोल डी 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 डी। अभी देखो एक हैंड थोड़ा सा परफेक्ट से लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भाई फैन सा बना हुआ है, और देखने में भी कुछ प्यारा लग रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ चूंकि इसको ग्रुप किया हुआ था तो मुझे सारा सारा अनग्रुप करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म का बेसिकली ये मकसद है कि आप इससे कई डिफरेंट सी चीज़ें बना सकते हैं बेतहाशा की। आपने अक्सर देखा होगा कि अब ये चीज़ है, ठीक है, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी बोल के मैं इसकी कम कर देता हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम करता हूँ। like मैं यहाँ से इसको 25 तक कर दिया, यहाँ ज़्यादा हुआ, यहाँ से एक इलिप्स शेप लेके
ये चीज आ गई। इसको 100 ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसको मैं ग्रेडियंट कलर इस पर अप्लाई कर देता हूँ। कैसे? इस पर। ठीक हो गया। इन सबको सेलेक्ट किया और ओपेसिटी पे जाके ओपेसिटी मास्क। अब ये देखो, लग रहा है ना थोड़ा सा खेले के। थोड़ा सा के भाई ये चीज है इसकी। ठीक हो गया। मैं यहां से इसको भी हटाता हूँ, साइड पर रखता हूँ। यहां तक अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। चलिए इसी को हम उठाते हैं। यहां से हम करते हैं इसको कॉपी। यहां पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। इसकी एक कॉपी यहाँ आ गई, एक कॉपी यहाँ आ गई। अब ये देखा जाए, ये देखो ये कुछ ऐसे है। मैं यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव से बाद डिसलेक्ट करके सिर्फ पिक्चर्स को सिलेक्ट किया हुआ है। ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पे टेक्स्ट ये आ गया मेक। अब ये देखो, मैंने बेसिकली पहले किया क्या था, मैंने पिक्चर्स यहाँ पे ली थी। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने लिया टेक्स्ट, एक डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ ना, वो अहम नहीं है जो भी हो। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप की है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ भाई मैं इसको कर रहा हूँ बॉटम में, बैक कर दिया। अब देखो टेक्स्ट इसके बैक साइड पे भी है, ये टेक्स्ट है। हम ये कहते हैं कि भाई टेक्स्ट इस पिक्चर का, इस पिक्चर से यहाँ यहाँ पे हो, बाकी टेक्स्ट कहीं पे भी इस पिक्चर के बैक साइड पे ना आए। तो उसका तरीकेकार क्या होगा, हम यहाँ से पिक्चर्स को सिलेक्ट किया पहले, ठीक है। तीनों पिक्चर सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पे ये यह आ गया टेक्स्ट रैप मेक। एंड यहाँ पे अगेन हम इसमें जाके, अब ये हमसे पूछेगा भाई हम इसमें कितना गैप देना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो 6 PT है, मैं इसको जो जो इंक्रीज करूँगा टेक्स्ट उतना उतना इससे दूर होता जाएगा। यहाँ पे ओके किया और ये देखो, अब मैं इसको कहीं पे भी रिमूव कर लूँ। मैं लाइक यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, वो मैटर नहीं करता। आगे समझ? चलें फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम एक दो टूल्स और हैं, वो एक ही क्लास में कवर करके आगे 3 क्लासेस 3D की करके कोर्स को एंड कर देंगे। ठीक हो गया। ओके देन, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 2 नए टूल के साथ। और आज की किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं हो तो आप लोग हमसे रابطہ कर सकते हैं। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़।